गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 20 चैप्टर एनिमल किंगडम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनिमल्स। एनिमल्स कैन बी फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहीं भी आप जाओगे एनिमल्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। दे कैन बी फाउंड इन सीज। आप सी में जाओगे तो भी हैं, ओशन में जाओगे तो भी हैं, माउंटेन पे जाओगे तो भी वहाँ हैं, हमारे घर के आसपास वहाँ भी हैं। हर जगह एनिमल्स प्रेजेंट हैं। दे कैन फाउंड इन हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में भी देख सकते हो और आइसी कोल्ड रीजन में भी देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है एनिमल्स कहीं नहीं होंगे, हर जगह प्रेजेंट हैं। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स। वो किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पर एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं उनके खाने के लिए। अंडरस्टूड? यस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव इन जंगल्स और फॉरेस्ट। जो जंगल और फॉरेस्ट के एनिमल्स होते हैं, जो रहते हैं उसमें, हम उनको बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। दे मूव इन सर्च ऑफ फूड। वो अपनी एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं, कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं वो। किसके लिए? अपने फूड के लिए, ताकि उनका पेट भरता रहे। ओके। एंड वाटर के लिए भी। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह वो जाते रहते हैं किसकी सर्च में? फूड और वाटर के सर्च में। वी कैन सी वाइल्ड एनिमल्स इन जू एंड नेशनल पार्क ऑल्सो। हम ये एनिमल्स जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो हम जू में और पार्क में भी देख सकते हैं, नेशनल पार्क्स में। ऐसे नहीं दूसरे पार्क, नेशनल पार्क्स में। वी कीप एनिमल्स लाइक। हम कौन से एनिमल्स घर में रखते हैं? कैट एंड डॉग एट होम। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड। ये वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम? पैट एनिमल्स। क्या बोलते हैं? पैट एनिमल्स। वी कीप दैम बिकॉज दे डू यूजफुल जॉब्स फॉर अस। वो हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, इसीलिए हम उनको रखते हैं हमारे साथ। जो कैट होती है वो जितने भी चूहे होते हैं उसको खा जाती है, ख़त्म कर देती है। और जो डॉग होते हैं वो हमारे हाउस को गार्ड करता है। ओके। वी ऑल्सो कीप दैम एज अ पैट बिकॉज वी लाइक दैम। और हम उनको इसलिए भी अपने साथ रखते हैं, कैट और डॉग्स को, क्योंकि हम उनको बहुत पसंद करते हैं। सम पीपल ऑल्सो कीप फिश टर्टल्स एंड पैरट्स एज पैट। कुछ लोग पैट के रूप में किस किस को रखते हैं अपने साथ? फिश को रखते हैं, टर्टल को रखते हैं, पैरट्स को रखते हैं, सबको रख सकते हैं। और ये सब कैसे रहते हैं? हमारे पेट्स बनकर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न योर पेज। नाउ वी समटाइम्स कीप एंड टेक केयर ऑफ एनिमल्स नियर आवर होम्स बिकॉज दे गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स। अब कुछ एनिमल्स हमारे घर के आसपास भी घूमते रहते हैं, तो हम उनकी बहुत सारे केयर करते हैं और हम उनको अच्छे से खाना खिलाते हैं। ओके। तो ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि वो हमें बहुत सारी यूजफुल चीज़ें देते हैं, थिंग्स देते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं फार्म एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स। क्या बोलते हैं? फार्म एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। एनिमल्स लाइक काउ, गोट, बफेलो गिव अस मिल्क। ये तीनों क्या है? मिल्क देती हैं हमको। दे आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स। अंडरस्टूड? नाउ कैन यू आइडेंटिफाई एनिमल्स बाय दिस साउंड? क्या हम पता लगा सकते हैं? हेयर आर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। नाउ लॉयन रोर, एलिफेंट ट्रम्पट, हॉर्स ने, पिग ग्रंट, शीप ब्लीट, डॉग बार्क, कैट म्यू, क्रो काउ, बर्ड चिप, मंकी चैटर। ओके। नाउ यू हैव टू लर्न दीज साउंड्स ऑल्सो। ओके। वी गेट एग्स फ्रॉम हैंड्स एंड वूल फ्रॉम शीप। Eggs from hens and wool from sheep. Yes, these animals are also called farm animals. We get eggs from hens, wool from sheep. Understood? Now turn your page. Now, donkeys, elephants, camels and horses carry loads for us. जो लोड हमारे लिए कैरी करते हैं, डंकी, एलिफेंट, कैमल्स, हॉर्स, इनको हम बोलते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन। ये वाले एनिमल्स को हम बोलते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन।
एनिमल्स लिव इन स्पेशल होम्स. एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो स्पेशल होम्स में रहते हैं, जैसे कि अ रैबिट लिव्स इन अ बरो. ओके, अंदर होता है एक होल उसमें. अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, बर्ड नेस्ट में रहती है. पैट कैट लिव्स इन अ बास्केट, बास्केट में रहती है वो. और काओ रहती है शेड में. ओके, नाउ टर्न योर पेज. नाउ अ शीप लिव्स इन अ पेन, शीप पेन में रहते हैं. अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल, स्टेबल में. उनका हाउस का नेम क्या है? स्टेबल. डॉग कैनल में रहता है. रैट होल में रहता है. जो लायन है डेन में रहता है. अ हैन लिव्स इन अ कूप. ओके, सो दीज आर द हाउसेज ऑफ द एनिमल्स. ओके, दीज आर स्पेशल हाउसेज ऑफ द एनिमल्स वेयर दे लिव वेरी हैप्पीली. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर. ऑल द क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू डन इन योर कॉपी. नो मिस्टेक्स विल बी देयर. And complete your book work also. Learn all the question and answers. Thank you so much. We'll meet in our next video. Take care. Bye-bye.